नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सबसे पहले 8 खबरों पर नजर, जिस पर हर किसी की नजर कल भी रहेगी। कल मुलाकात है उद्धव ठाकरे और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा रिपोर्ट, आज जरूर दिखलाएंगे। इसका मतलब क्या है? दूसरी तस्वीर, यह तस्वीर बतलाती है कि शुल्काशुल्क ट्राइब के प्रमोशन में आरक्षण को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखा दी है। तीसरी खबर, मंदसौर में कल राहुल गांधी पहुंचेंगे और इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के, जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसके भी नेता वहां पर पहुंचेंगे। मंदसौर में किसान आंदोलन चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जी ये मुगल सराय जंक्शन है, इसका नाम अब यही हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। लिमिट से ज्यादा क्या होगा? जी हवाई जहाज में सफर करते हैं, करते रहिए, लेकिन रेलगाड़ी में भी लिमिट से ज्यादा अगर बोझा लेकर जाएंगे, पकड़ा जाएंगे, 6 गुना फाइन लिया जाएगा। वेस्टर्न रेलवे शुरुआत कर रहा है परसों से ही। बिटकॉइन घोटाले में तलब किए गए हैं, ये किनके पति हैं, ये आप सोच रहे होंगे। हमने सोचा इसकी एक रिपोर्ट दिखाई जाए आपको। 7 जुलाई को पेशी है सुनंदा पुष्कर की हत्या के मसले को लेकर, शशि थरूर की। और आखिरी तस्वीर है, फूड पार्क रद्द हो गया है बाबा रामदेव का, जो कि ग्रेटर नोएडा में बनना था। कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की गई, बंद कर दिया गया है। तो इन 8 तस्वीरों से इतर मास्टर स्ट्रोक में आज जिक्र किस बात का करें? आज जिक्र हम उस बात का नहीं करने जा रहे हैं लिख के, क्योंकि हमारे पास कई मैसेज ऐसे आए जिसमें कहा गया, जब आप नाम लिख देते हैं तो हम लोग उस नाम के इर्द गिर्द खबरों को टटोलने लगते हैं। एक हिस्सा ये था। दूसरा हिस्सा ये निकल कर आया कि जब लिख देते हैं तो क्या वाकई ये हालत है या सिर्फ ये आप मानते हैं? हमने कहा चलिए आज नाम ही नहीं लिखते हैं कुछ, और बिना नाम लिखे मास्टर स्ट्रोक के आश्रय हिंदुस्तान के उस सच को ही आपके सामने एक एक करके रखना शुरू करते हैं, जिसमें आप कहेंगे कुछ तो लिख देते। क्या लिखेंगे? भूख से मौत, शुरुआत आज इसी से। पहली खबर यही है, भूख से मौत फिर हुई है, लेकिन पहले बता दे प्रशासन कह रहा है नहीं हुई है, पोस्टमार्टम कराएंगे, ये सारी बातें हो रही है, चल रही है, लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए। यूं तो ये तस्वीर देखकर झारखंड के रघुवर दास सरकार की आंखें शर्म से झुक जानी चाहिए और कलेजा छलनी हो जाना चाहिए। एक बेटे को मां का शव कंधे पर लादकर 1.5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़े तो फिर बुनियादी सुविधाओं का कौन सा दावा सच होगा? और हद ये, इस महिला की मौत कथित तौर पर भूख से हो गई। जी भूख से मौत। महिला 10 दिन से भूखी थी। बीते 10 दिन से महिला बीमार थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे और खाने के लिए एक दाना भी घर में नहीं था। बीमार मां को बेटा छोड़ नहीं पाया और मां चल बसे। खाना खराब ही नहीं था, कमाने वाला हम एक ही है, बोतल सीसी बीन के लाते थे तो खिलाते थे। सब तो पी के रहता था, इतना कुमार पिता सरकार से अनाज उनाज मिलता था? नहीं मिलता, हम लोग को कुछ नहीं मिलता, न राशन मिलता है न कुछ मिलता है। तो रघुवर राज में भूख से मौत हो रही है, मुख्यमंत्री खामोश हैं, और झारखंड में भूख से यह पहली बार कोई नहीं मरा। याद कीजिए 11 बरस की संतोषी की मौत भात भात कहते हुए हो गई तो बीते शनिवार को ही सावित्री देवी ने भूख से दम तोड़ दिया। सावित्री के नाम आधार कार्ड था पर राशन कार्ड नहीं बन पाया। और कल जब इटखोरी के प्रेमनगर में 45 बरस की मीना मुसर नाम की महिला ने दम तोड़ा तो उसके पास न आधार कार्ड न राशन कार्ड। दरअसल माँ बेटे का कोई अस्थायी घर था ही नहीं, जब तक एक जगह पर काम चलता दोनों रहते। लेकिन ऐसे ही गरीब लोगों के खाने पीने के लिए सरकार तमाम योजनाएं तो चलाती है और झारखंड में भी दाल भात योजना तो चल ही रही है, तो फिर भूख से क्यों मरी, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। जी झारखंड में 5 रुपए में भोजन मुहैया कराने वाले दाल भात केंद्र मजाक बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर गरीबी उससे भी विभत्स है। देखिए 11 लोग की मौत अभी तक हो गई है, पूरे देश विदेश में जो है झारखंड की बदनामी हो रही है।
बायोमेट्रिक बंद करो, आधार लिंकेज बंद करो। जब तक ये सिस्टम को आप पूरी तरह से धरातल पर सफलता के साथ नहीं उतारते हो, तब तक बंद करें। हमने DCO कहा है कि जो पूरी उस परिवार का हेल्थ प्रोफाइल, उस परिवार की आर्थिक स्थिति, कोई बैंक में खाता है कि नहीं है, कोई सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है, इसकी रिपोर्ट आप हमको दीजिए। और गरीबी होती क्या है यह इससे भी समझ लीजिए, क्योंकि सरकार ने माना कि 5 रुपए तो हर किसी के पास होंगे, पर भूख से मौत ने बताया 5 रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती है। और गौतम कुमार सिर्फ इसलिए माँ को नहीं बचा पाया क्योंकि उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, और वो बीमार तड़पती माँ को देखता रहा। माँ मरती रही, माँ फिर अकेला छोड़कर चली गई। हमारे पास पैसा नहीं है, मरीज को छोड़कर जाते हम कहाँ जाएं। शायद मुख्यमंत्री को ये आवाज सुनाई ना दे, उनका ध्यान तो फिलहाल केंद्र की योजनाओं को सफल बनाने पर है। कल ही अधिकारियों के साथ बैठक की, CM ने अफसरों को दो टूक निर्देश दे दिया। 15 अगस्त तक केंद्र सरकार की 7 फ्लैगशिप योजनाओं का 100% क्रियान्वयन चयनित गांव में करना है। पर दूसरी तरफ झारखंड का सच क्या है? 48% बच्चे कुपोषित हैं, इनमें से 4 लाख बच्चों की जान को खतरा है। आंकड़ों में 35 लाख परिवार BPL है। और मां के शव को कंधे पर ले जाने वाले गौतम की तस्वीर कोई अकेली तस्वीर नहीं। बीते बरस चाईवासा में भी तो एक ऐसा मंजर दिखा था, पर सच क्या कहा जाए? यही कहें, सही नियत और उचित विकास हो तो सब ठीक होगा, नारों में नहीं जमीन पर। इस देश की गजब की त्रासदी है। एक तरफ स्वच्छता अभियान है जिसको लेके तमाम सेलिब्रिटी झाड़ू लेकर निकलते हैं, एक जगह कूड़ा जमा करते हैं। जो महिला मरी है वह तो उस जमा कूड़ा को चुना करती थी। जी, स्वच्छता अभियान की ही हिस्सा हुई ना, लेकिन भूख से मौत हो गई। एक दूसरी स्थिति आपको दिखलाते हैं। आज राजनीति की बात बाद में होगी, लेकिन इस खबर को राजनीति से जोड़ दीजिएगा। हम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि आदिवासियों को बचाना है। बैगा आदिवासियों का नाम आपने सुना है, छत्तीसगढ़ में है। बैगा आदिवासी खत्म ना हो जाएं, इसके प्रयास हो रहे हैं। फंड निकल रहा है, विकास किस तरीके से पहुंचे, योजनाएं कैसे उन तक आए, इसके लिए काम हो रहा है। लेकिन बैगा आदिवासियों को पीने का पानी मुहैया ना करा पाए, इस दिशा में आंख मूंद ली गई। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो दिल्ली के रायसीना हिल्स में बने राष्ट्रपति भवन में जब देश के तमाम राज्यों के राज्यपाल और प्रधानमंत्री एक साथ बैठे, तो हर बैठक की तरह यहां भी उनके सामने बोतल बंद पानी था। और फिर चर्चा शुरू हुई तो जिक्र उन अनुसूचित जनजातियों का भी हुआ जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, देश में अनुसूचित जनजातियों की तकरीबन 10 करोड़ आबादी है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्यपालों की बड़ी भूमिका होनी चाहिए, वो निभा सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने तो राज्यपालों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए भी कहा। और संयोग देखिए, जिस वक्त दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ये चर्चा चल रही थी, उसी वक्त दिल्ली से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी गांव बेत खोदरा का ये नजारा सामने उभर कर आ गया। तो एक तरफ बोतल बंद पानी, दूसरी तरफ भटकते पानी के लिए आदिवासी। यानी बोतल बंद पानी पी पी कर जिन आदिवासियों के विकास के बारे में बात हो रही है, दूसरी तरफ बेचारे वही आदिवासी पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मतलब लोकतंत्र में सत्ता और जनता के बीच 1100 किलोमीटर की दूरी अंतरिक्ष के समान हो गई। 70 बरस बाद भी इन गाँव में पानी नहीं पहुँचा, मिनरल वाटर तो दूर की गोटी है। कोई पानी के साधन नहीं, कुआं सब सूख गए हैं। हैं यहाँ कोई हमको ऐसी हमको परेशानी पानी की ज्यादा तकलीफ। और बैगन के लिए सोच रहे कि सरकार रक्षा कर रहा है, और यहाँ आके देखो सर लफड़ा चल रहा है, कुछ नहीं है। और छत्तीसगढ़ के इस बेत खोदरा गांव में बैगा जनजाति के लोग रहते हैं। इन्हें विशेष संरक्षित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, और विशेष संरक्षित जनजातियों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। और सरकार को बैगा जनजाति के लोगों की इतनी चिंता कि इनकी आबादी बढ़ाने के लिए नसबंदी पर भी रोक लगा कर रखी गई है। पर छत्तीसगढ़ में रहने वाले बैगा जनजाति के इन दत्तक पुत्रों को ना तो इस बात से मतलब कि उन्हें क्या दर्जा मिला हुआ है, या फिर उनके नाम पर कितना फंड बांटा जाता है और दिल्ली से कितना फंड चलता है और उन तक कितना फंड पहुंचता है,
हर बात से ये दूर है। हाँ, सूरज की रोशनी इन तक पहुंच जाती है, रात में चांद भी दिखाई दे जाता है, पर पानी नहीं मिलता। और इस कच्ची और पथरीली सड़क पर कांधे या सिर पर मटका उठाए हुए तकरीबन 6 किलोमीटर इन्हें जाना पड़ता है, फिर आना भी पड़ता है, और जिंदगी इसी में खप जाती है। जी, ये बैगा आदिवासी है, क्योंकि गांव में जो हैंडपंप उसमें पानी नहीं आता, जो कुआं उसमें पानी कभी नहीं आया। और तपती गर्मी में अगर जिंदा रहना है तो यहाँ रहने वाले हर परिवार को यही करना होगा। इसीलिए ये लोग हर दिन छत्तीसगढ़ की सीमा को लांघते हुए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जाते हैं, तब जाकर इन्हें जीने के लिए एक दो मटका पानी मिल जाता है। सब प्यासन मर रहा है, वो एमपी जाते हैं पानी पीने के लिए। तो कुआं नहीं, पानी नहीं है तो क्या करें? कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे। कोनो आठ मंत्री विधायक मिले नहीं आवे। तो जिन लोगों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने उनकी नसबंदी पर रोक लगा रखी है, उसी बैगा जनजाति के इन परिवार के लोगों को जीते जी मारा जा रहा है, बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है। और पूरे छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति के तकरीबन 72,000 लोग हैं, जिसमें से लगभग 60 परिवार बेतखोदरा गांव में रहते हैं। और ये इलाका बीते 3 बरस से सूखे की चपेट में है। और गांव वाले तो कहते हैं अधिकारी तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं, पर कोई सुनता ही नहीं। पानी की समस्या है, हाँ। बिजली भी मतलब खंभा गाड़ के चले गए हैं, लेकिन लाइट नहीं है इसमें, रोड भी नहीं है यहाँ। हाँ। तो ये हाल तब जब बैगा जनजाति के विकास के लिए बैगा विकास प्राधिकरण समेत कई विकास परियोजनाएं इस देश में चल रही है। और ये हालत तब जब दिल्ली के रायसीना हिल्स पे बोतल बंद पानी पीपी कर कहा जा रहा है कि आदिवासियों पर ध्यान दे, और आदिवासी बिन पानी मर रहा है। आदिवासी जंगल में रहता है, जंगल को लेकर एक वन नीति सरकार की तरफ से निकल कर आई और वन नीति बन गई, लेकिन आदिवासी का जिक्र नहीं, बल्कि उन आदिवासी इलाकों में किस तरीके से कॉरपोरेट पहुंच जाए, कंपनियां पहुंच जाए, इसकी पूरी व्यवस्था है। जरा इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए। यह भारी भरकम मसौदा पर्यावरण मंत्रालय की नई प्रस्तावित वन नीति का है। सरकार कहती है इस वन नीति के आश्रय आदिवासियों की समस्या सुलझ जाएगी, पानी की समस्या सुलझ जाएगी, तमाम संकट दूर हो जाएंगे। पर दूसरी तरफ इस वन नीति को लेकर जनजातीय मंत्रालय और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कहना है जी नहीं, मुश्किल बढ़ जाएगी। आदिवासी इलाकों में प्राइवेट कंपनियां पहुंच जाएंगी और उसके बाद खनिज संसाधन से लेकर आदिवासियों की जिंदगी में उनका दखल बढ़ जाएगा, क्योंकि इस ड्राफ्ट में तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लागू करने की बात कही गई है। सरकार कहती है ये लागू होगा तो फिर विकास होगा, लेकिन दूसरी तरफ जनजातीय मंत्रालय और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स कहता है जी नहीं, जंगल आदिवासियों की जीविका का मुख्य स्रोत है और जंगल में निजी कंपनियों के दखल से जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसमें मालूम पड़ा है कि कई जगह लोगों ने उनको डिस्प्लेस तो करने की बात सोच रहे हैं, लेकिन पूरी व्यवस्थापन की व्यवस्था नहीं हो रही। इसलिए आयोग ने निर्णय किया है इस कानून के अंतर्गत कि जब तक जनजातियों को पूरी तरह से कहीं बसाया नहीं जाएगा, ये सारी व्यवस्था जब तक अन्यत्र नहीं की जाती है, तब तक बाघों को बसाने के लिए ट्राइबल को वनों से विस्थापित नहीं किया जा सकता। तो फिर माना क्या जाए, सरकार कह रही है वो ठीक, या फिर जनजातीय मंत्रालय और NCST जो कह रहा है वो ठीक? क्योंकि सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि आदिवासियों को लेकर कोई स्पष्ट नीति इस ड्राफ्ट में है ही नहीं। जंगल है अपने गांव में, उसको यूज करते हैं, जैसे दातून पत्ता वगैरह सब। सरकार ने एक आदिवासियों के लिए नीति बनाई है, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? क्या चीज नहीं जानी, नहीं मालूम। सरकार एक नई नीति बना रही है जी, इसके बारे में पता है क्या आप लोग? नहीं, हम लोग कभी नहीं पता उसके बारे में। गजब के हालात हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र चला था कि कौन इस देश में मंत्री फिट है, कौन सेलिब्रिटी फिट है, आप अपनी फिटनेस टेस्ट कीजिए और उसको मोबाइल में कैद करते हुए आप फिट कर दीजिए। पता नहीं कौन कितना फिट है, लेकिन इस देश की योजनाएं कितनी फिट हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और सोचना शुरू कीजिए और इस रिपोर्ट को देखते चले जाइए।
तो सोशल मीडिया पर शुरू है फिटनेस चैलेंज की चौंचलेबाजी, एक हफ्ते भी चल नहीं पाई और मंत्री संतरी से लेकर आम लोगों का वीडियो पोस्ट करने का खुमार उतर गया। अलबत्ता 10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विराट कोहली का चैलेंज मंजूर तो किया था, जिसके बाद उनका फिटनेस वीडियो आना अभी बाकी है। तो पीएम कब कैसे अपना फिटनेस वीडियो पोस्ट करते हैं यह देश देखना चाहता है, लेकिन सच तो यही है कि देश की सेहत से ज्यादा प्रधानमंत्री को अब अपनी योजनाओं की सेहत की चिंता सताने लगी, क्योंकि 4 बरस में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 से ज्यादा योजनाएं लॉन्च तो कर दी, पर अब उन पर सवाल और कोई नहीं अपने ही उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने 112 योजना बनाई, उस योजना का धरातल पे लोगों को जानकारी न दी गई, न उस योजना का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों ने काम किया। जब अपने कह रहे हैं तो सरकार को ध्यान देना होगा और प्रधानमंत्री भी हालात समझ रहे हैं, इसीलिए 4वें बरस में उन्होंने हर योजना के लाभार्थियों से बात करने का वो फार्मूला निकाला, जिसके आश्रय वो जनता में ये संदेश दे सके कि उन्हें योजना का फीडबैक लेने में दिलचस्पी है, तो जमीन पर योजनाओं को गति भी दे सके। पर हालात परखें तो क्या निकलते हैं। तो किसान के अच्छे दिन आए नहीं, वो फिलहाल आंदोलन कर रहा है, पर वादे और दावों के बीच सच सिर्फ किसान तक सीमित नहीं। मोदी सरकार ने 4 बरस में 13 एम्स के निर्माण के लिए 148 अरब रुपए देने की बात कही थी, लेकिन दिए गए सिर्फ 4 अरब। क्यों? विनिवेश पर पूरा जोर होने के बावजूद एयर इंडिया का खरीदार कोई नहीं मिला। क्यों? 2017 में सरकार ने विनिवेश के जरिए जितना धन जुटाया उसमें 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ सरकारी LIC ने दिए। क्यों? जनधन खातों में 20% निष्क्रिय है, 1.3% बंद हो गए और जो अभी एक्टिव हैं, उनमें लोगों के पास पैसा जमा कराने को नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं पाता, जुड़ते ही नहीं तो डालूंगा कहां से? खाली मजदूरी करता हूं, इस वजह से जुड़ते नहीं है, डाल नहीं पाता। और इसी तरह मुद्रा योजना के तहत सिर्फ 1.3% लोगों को ही 5 लाख से ऊपर का लोन मिला। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर बांटे तो गए, लेकिन उनके पास सिलेंडर भरवाने का पैसा नहीं। इसीलिए तो जब योजना नहीं थी और जब योजना लाई गई तो LPG के खपत में अंतर आ गया। मसलन LPG की खपत 2014 से 2016 के बीच 9.75% रही और जब उज्ज्वला योजना आ गई उसके बाद 2016 से 18 के बीच LPG की खपत घटकर 9% पर आ गई। यानी उज्ज्वला योजना ने गैस कनेक्शन तो दिला दिया पर दोबारा भरवाने के लिए पैसा तो चाहिए। भराने वाला दिक्कत बहुत ज्यादा है, कभी कभी तो 850। सरकार से चाहते हैं कि भरावनी कम करें, इतना गैस दिए तो इतना ज्यादा रेट बढ़ा देंगे तो कहाँ से हम लोग गरीब भरवा सकेंगे। तो सरकार की योजनाएं ही जब फिटनेस लेवल पर फिट नहीं तो फिर मंत्री संतरी के फिटनेस टेस्ट के बीच विराट कोहली के चैलेंज पर फिटनेस का कौन सा मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से आता है, इंतजार कीजिए, देखेंगे। प्रधानमंत्री ने योजनाएं लॉन्च की, उसके बाद उन योजनाओं को लेकर उसके जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद बनाया, हमने भी संवाद बनाया, दोनों को एक साथ मिलाइए और इस रिपोर्ट के आश्रय समझने की कोशिश कीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का सच है क्या? फूलमती जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए बताइए, आपके चेहरे पर तो खुशी तो दिख रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से जब प्रधानमंत्री ही मुखातिब हुए तो हर कोई खुश नजर आया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया, लेकिन जब ABP न्यूज का कैमरा PM आवास योजना की जमीनी हकीकत की पड़ताल के लिए निकला तो उतनी खुशी कहीं नजर आई नहीं, और ना ही हंसते वो वे चेहरे नजर आए। बाहर से करवा दिया, अंदर पूरा ऐसा नीचे का परस दो ही, अगल बगल आजू बाजू में कुछ भी नहीं किया, ऊपर नीचे कहीं भी। लेट बन रहा है, पता नहीं अब समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। उनके पास कागज वगज लेकर के भी गए तो ये कह रहे हैं कि नहीं ये आपका नहीं है। कुछ नहीं मिला है, अमीरन की मिल जाती है, गरीबन की कभी मिलती ही नहीं है।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के देवरा गांव में रहने वाली चांद तारा अपने 3 बच्चों के साथ एक टूटे फूटे से घर में रहती है। इन्होंने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए फॉर्म भरा था। महीनों बीत गए पर अब तक उन्हें ये नहीं पता घर मिलेगा या नहीं। फार्म 4-5 महीना से भरल बा। मिला आपको कुछ? अभी तो मिलल कुछ नहीं बा। और देवरा गांव के ग्राम प्रधान के मुताबिक उन्होंने आवास योजना की पात्रता के लिए गांव के 52 लोगों का नाम भी भेजा था, जिनमें से 7 के नाम काट दिए गए, लेकिन बाकी बचे 45 लोगों के लिए अब तक योजना की शुरुआत हुई नहीं है। अभ्यर्थी जो है जी, लाभ पाने के हकदार बने हैं सर। क्या उनके किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया? अभी कोई पैसा नहीं आया सर। तो मुरादाबाद का हाल यह है कि शहर और गांव के तमाम लोग आवास योजना के लिए चक्कर लगा रहे हैं। और रामपुर के रहने वाले आनंद वर्धन का नाम मुरादाबाद के लाभार्थियों की लिस्ट में आ गया। अभी तो मुझे जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये सुना है कि उसके साथ पहली इंस्टॉलमेंट जारी हो गई, लेकिन मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोगों का तो आरोप यह भी है कि फॉर्म भरने के बाद जांच के नाम पर उनसे 400-400 रुपए भी लिए गए, फिर भी योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं कपड़े सिलने का काम करने वाले रहमतुल्ला का कहना है सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम पर पैसा जारी हो गया, पर उनके खाते में तो पैसा आया ही नहीं, एक भी पैसा नहीं आया। 50,000 रुपए मिल गए हैं, लेकिन ये देख लीजिए, ये मेरा स्टेटमेंट बैंक का है, ये देख लीजिएगा, इसमें ये देख लीजिएगा रकम आई नहीं है। अभी कोई रकम नहीं आई है। और योजना के तहत मुरादाबाद के शहरी इलाकों में अभी तक किसी गरीब का मकान नहीं बना है। लगभग 21,000 लोग आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 7,000 को पात्र माना गया, और इनमें से सिर्फ 1,166 लोगों को 4 दिन पहले ही पहली किस्त मिली। वही कुशीनगर के विशुनपुरा विकास फंड के हिरनही गांव के पासवान परिवार की कहानी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों के नाम को मंजूरी मिल गई, पैसा भी जारी हो गया, लेकिन वो पैसा इन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में इनके नाम के आगे किसी और की खाता संख्या लिख दी गई, मतलब पैसा किसी दूसरे की जेब में चला गया, नाम चाहे इनका हो। क्या मिला हमें? क्यों पता ना के उठा खा ले जानते। हमारा ससुर के मिला है, देवर के मिला है। और लोगों का कहना है ऐसे कई गांव में हुआ है, लेकिन कोई अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो इलाहाबाद में भी गरीबों के घर सिर्फ कागजों पर ही बनते दिख रहे हैं, क्योंकि यहां 3 वर्ष में 56,000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 741 लोगों को 50,000 रुपए की किश्त मिली है, और ये किश्त भी 1 जून को सीएम योगी के इलाहाबाद दौरे को ध्यान में रखते हुए जारी की गई। 56,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं अभी तक, जो MIS पर एंट्री हुए हैं पात्र, उनकी लगभग 6,794 लोगों की आवास की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, 1,500 लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज की। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनना तो शुरू हो गया, लेकिन अगली किश्त न मिल पाने के कारण ज्यादातर घर अधूरे पड़े हैं। पर कागजों पर सब ठीक दिखे, इसीलिए अधिकारियों ने अधूरे घरों के बाहर की दीवार के सामने लाभार्थियों की फोटो खींच ली। अरे प्लास्टर नहीं दिया। नहीं हुआ। क्यों नहीं करवा रहे हो प्लास्टर? पैसे निकले जब तो करवाओ, इसका करवाओ। और मध्य प्रदेश के मंडला की अनीता ने 4 महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया। उन्होंने अपना कच्चा घर तोड़कर काम भी शुरू करा दिया, लेकिन पैसे देर से मिलने के कारण काम रुक गया। जो फार्म भरा गया था वो दब गया था, फिर से फार्म भरने के बाद में अभी 8 दिन पहले ही अब प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा आया है उसी से अभी कार्य चालू है। तो अगर 3 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना का ये हाल, तो प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा कैसे करेंगे जो उन्होंने किया है? हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। यानी दावा है इस योजना के तहत 2022 तक गांव में 3 करोड़ और शहरों में 1 करोड़ घर बन जाएंगे, और 31 मार्च 2019 तक गांव में 1 करोड़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पर बीते 3 वर्ष में सिर्फ 40,76,243 घर ही बन पाए, तो अगले 9 महीनों में 60,00,000 घर बनने हैं और 2022 तक 2.5 लाख से ज्यादा घर बनने हैं। बन जाएंगे, इंतजार करते हैं। दरअसल जब ये रिपोर्ट दिखलाते हैं तो इसकी चिंता कहीं ना कहीं संघ परिवार में होती होगी, जो NDA में सहयोगी दल है उनके भीतर भी होती होगी। अमित शाह कल मुलाकात के लिए मुंबई पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे से, और हमारे पास जानकारी आ रही है कि इस वक्त दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल की बैठक
अमित शाह के साथ दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या जिस राजधर्म के आसरे बीजेपी शिवसेना साथ चल पड़े थे, अब क्या बात होगी? रिपोर्ट देखिए। गुंडागिर्दी, दादागिरी, न जाने क्या कुछ चल रहा है। हर गली मोहल्ले में यहाँ तो भाई लोग बैठे। किस बात के लिए आप डर रहे हो? बैलेट पेपर से चुनाव हो जाने दो। झुग्गी झोपड़ी में जीने वाले लोगों की जिंदगी हराम कर देते हैं, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। मित्र पक्षाची गरज लागत नहीं। 2014 से लेकर 2018 तक यही तो बोल हुआ करते थे, लेकिन इन बोल के बीच कल जब अमित शाह उद्धव ठाकरे से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? या फिर सत्ता की चाहत 360 डिग्री में घूमकर फिर से बीजेपी शिवसेना को एक साथ ला खड़ा करेगी? और सिवाय सीटों के सौदेबाजी या मंत्री पद की चाहत से आगे बात जाएगी नहीं? यानी राजधर्म की राह किसने छोड़ी, इस पर बात नहीं होगी। हिंदुत्व का बड़ा प्रवर्तक कौन, इस पर बात नहीं होगी। तो ऐसे में क्या जो सवाल बिहार में नीतीश कुमार ने उठा दिए, क्या वही सवाल उद्धव ठाकरे भी उठा सकते हैं? इस पर तो हर किसी की नजर होगी ही, क्योंकि उद्धव ठाकरे को इसका एहसास है। एक दौर वह भी था 1990 में, शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी थी, बीजेपी 104 सीटों पर। 1995 में शिवसेना 169 सीटों पर लड़ी, बीजेपी 116 सीटों पर। उसके बाद कांग्रेस की सत्ता आ गई और फिर मोदी अमित शाह का काल आया तो शिवसेना के साथ झगड़ा कुछ इस तरीके से बढ़ा कि 2014 में बीजेपी शिवसेना ने अलग अलग राह पकड़ ली, दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। तो क्या 2019 से पहले 2014 की हवा बदल चुकी है? और 2019 में अगर शिवसेना ने अलग राह पकड़ी तो फिर 2019 के लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव, दोनों जगहों पर बंटाधार होगा। इसीलिए कल की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। तो सियासत तीन संदेश देती है। पहला, अमित शाह समझाएंगे, उद्धव ठाकरे मान जाएंगे। दूसरा, उद्धव ठाकरे हट करेंगे, अमित शाह मान जाएंगे। और तीसरा, शिवसेना बीजेपी को ध्वस्त कर विपक्ष के साथ गठजोड़ कर अपने वोट बैंक का विस्तार करेगी। तो इंतजार कीजिए कल के बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस रंग में नजर आती है, क्योंकि मोदी का जादू अगर 2014 वाला नहीं रहा तो शिवसेना भी बाला साहब ठाकरे के दौर वाली भी तो नहीं रही। इसे हर मराठी मानुष बाखूबी समझता है। गुंडागिर्दी, दादागिरी, न जाने क्या कुछ चल रहा है। आम्ही महाराष्ट्राचा तुकडा तोडणारच, तुम्हाला मंजूर आहे? हर गली मोहल्ले में यहाँ तो भाई लोग बैठे। किस बात के लिए आप डर रहे हो? बैलेट पेपर से चुनाव हो जाने दो। झुग्गी झोपड़ी में जीने वाले लोगों की जिंदगी हराम कर देते हैं, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। त्या पक्षाला मित्र पक्षाची गरज लागत नाही। तो इन बोल के आसरे 2014 से लेकर 2018 तक एक दूसरे के खिलाफ तंज और आरोपों के सिलसिले के बाद अमित शाह जब निकले ही हैं, तो आखिर में यह भी समझ लीजिए, विपक्ष की एकजुटता ने अमित शाह को सीख दी है, अपना कुनबा बचा ले, नहीं तो मुश्किल होगी। तो सूखे का संगम, जाहिर है संगम का मतलब तो तीन नदियां होती हैं। तो आइए अपने स्क्रीन पर देखना शुरू कीजिए तीन नदियां। ये तीन नदियां गंगा, यमुना, नर्मदा, कहीं पानी नहीं है, कहीं बीमारी है, कहीं पानी ही लापता हो गया है। इन तीन स्थितियों के बीच बिहार, हरियाणा और अहमदाबाद यानी गुजरात, तो तीनों जगह में सबसे पहले दिल्ली में रहते हैं, तो हरियाणा ही चले चलते हैं। और पहली रिपोर्ट जरा देखिए किस हालत में है यमुना। यह तस्वीर 21वीं सदी के यमुना की सच्चाई है। युग युगांतर से जिसकी गोद में लहरें खेलती थी, आज वो वीरान रेगिस्तान में तब्दील हो चली है। हरियाणा की जवानी को अपने पानी से सींचने वाली यमुना आज खुद विलुप्त होने के कगार पर है। यमुना का यह वीरानापन सोनीपत से लेकर पानीपत और पानीपत से लेकर हथनीकुंड बराज तक फैला है।
इस वक्त मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे हाथ में जो रेत है वो किसी रेगिस्तान की रेत नहीं है और ना ही ये इलाका किसी रेगिस्तान का है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तस्वीरें जीवनदायिनी यमुना की है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोनीपत इलाके में जहाँ से ये यमुना नदी होकर बहती है। हरियाणा के अंदर 125 किलोमीटर का सफ़र ये यमुना नदी तय करती है, लेकिन आज यहाँ पर पानी की एक बूंद भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। सोनीपत में 1 किलोमीटर में फैली यमुना को लोग कभी नाव के सहारे पार किया करते थे, पर यह अतीत की बात है। यमुना तो सूख चुकी है, अब बस नाव के अवशेष बाकी रह गए। यमुना स्नान के पुण्य की पूर्ति ट्यूबवेल का पानी कर रहा है। बिना पानी के हमारी नाव ठप है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। यहाँ पे हमें मसूल भी नहीं मिल पाता। कम से कम 3-4 साल से पानी नहीं यहाँ पे। भावना तो अब जो थी यमुना के पानी में नहाने की वो तो मार ली, अब तो ट्यूबवेल के पानी से मन समझाना पड़ता है कि हम यमुना में नहाए आए। सोनीपत के बाद हम पानीपत के सलोनी घाट पहुंचे जहां का नजारा मंजर में तब्दील हो चला है, जिसकी यमुना के एक बूंद के स्पर्श मात्र से आत्माओं को मोक्ष मिल जाया करता था, आज उस यमुना की गोद में अस्थियां रेत फांक रही हैं। सोनीपत के बाद पानीपत के सनोली की ये तस्वीरें हैं जहां पर यमुना में सिर्फ रेत ही नजर आ रही है, पानी की एक बूंद नहीं है। यहां भी आपको अस्थियां जो हैं वो बाहर की तरफ निकली दिखाई देंगी। यहां पर अस्थियां दबाई जाती हैं ये सोचकर कि जब यमुना का पानी आएगा तो पानी इन अस्थियों को बहाकर ले जाएगा। हथनी कुंड बैराज से निकला पानी ही दिल्ली का गला तर करता है, लेकिन बैराज के पास यमुना किसी रेत के टीले में तब्दील हो चुकी है और यमुना के बहाव के लिए 9000 क्यूसेक पानी की जरूरत है, लेकिन बैराज तक 3200 क्यूसेक पानी ही पहुंच पा रहा है। कुछ जगहों पर पानी के निशा जरूर, लेकिन जरूरत के हिसाब से पानी कहीं नहीं। उम्मीद सिर्फ बारिश से बची है। बरसात कम है तो पानी कम है, बरसात होगी तो पानी बढ़ेगा हमारे पास। कम से कम 1 महीने के बाद हमारे पास पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बरसात जब आएगी तब पानी लाएगी, लेकिन बरसात से अलग बाकी महीनों में यमुना का पानी कौन चुरा ले गया, ये पर्यावरण विशेषज्ञ से ही सुन लीजिए। रेत की खनन की वजह से जो भी सब सरफेस पानी, सतह से नीचे बहता हुआ पानी, जो सतही पानी बनता था, उसकी गुंजाइश सब खत्म हो गई और इसकी वजह से आज जो स्थिति भयावह स्थिति बन गई है कि नदी में बिल्कुल भी एक बूंद पानी आज की डेट में नहीं है। मतलब यमुना का एक कातिल अवैध खनन भी है जो सरकारी लापरवाही का फायदा उठाकर फल फूल रहा है। तो ऐसे में आखिरी में याद कीजिए यह कार्यक्रम। जी, यमुना की जमीन पर यह कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे थे। एनजीटी ने बड़ी गहरी आपत्ति जताई थी, पर यह कार्यक्रम तो हो गया, कोई ध्यान देता क्यों नहीं? मस्ती है, बेफिक्री है, जो कहिए, लेकिन यह मुश्किल सबब तो जरूर है या मुश्किल दौर तो जरूर है। सियासत देश नहीं होती है, देश के भीतर आप सियासत करते हैं, लेकिन हालात अगर ऐसे होते चले जाएं तो फिर। हमने जिक्र हरियाणा दिल्ली का कर दिया और एक सियासत गुजरात से चलकर दिल्ली पहुंच गई, पीछे क्या छोड़े आई, यह देखिए नर्मदा का पानी। गौर से देख लीजिए, पूरी तरह सूखा हुआ ये वही सरदार सरोवर बांध है जिसका बीते बरस प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर उद्घाटन किया था। श्री सरदार सरोवर समर्पण निमित्तम नर्मदा पूजनं करिष्ये। और उस वक्त अपने बर्थडे पर देश और गुजरात को बांध लोकार्पित करते हुए दावा यही हुआ, अब लाखों किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, बिजली बनेगी, बांध आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा। लेकिन आज की तारीख में हाल क्या, सब कुछ तो आपके सामने है। बाढ़ से देखने आया है पर पानी देखने को नहीं मिला, बहुत बुरा लग रहा है कि भाई यो नर्मदा पूरी तरह से भरी होती
तो बहुत अच्छा लगता देखने का, अच्छा होता है। राज्य के कई राजनीतिक पक्ष इस पर ही राजनीति करते हैं नर्मदे सर्वदे का नारा देकर, लेकिन आज वही नर्मदा की स्थिति सबसे खराब हो रही है। माना जा रहा है कि सरकारी तंत्र का मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से सामने आया कि ये पूरी नर्मदा नदी 20 या 25 साल बाद खाली हो चुकी है, अब नर्मदा नदी में पानी नहीं है। तो भीषण गर्मी की वजह से नर्मदा नदी का पानी सूखने लगा है, जलस्तर इतना कम यकीन नहीं होता। ये वही नर्मदा जिसे उफनते देख कभी खौफ भी पैदा हो जाया करता था। केवड़िया के पास नर्मदा नदी छोटे तालाब में तब्दील हो चुकी है, गोरबरा ब्रिज के पास केवल पत्थर ही नजर आते हैं। पहले तो पानी चलता था, मगर ये चुनाव 2017 का चुनाव के लिए उन्होंने मोदी साहब ना वहाँ काठियावार और कच्छ में जो पानी यूं ही वेरफा दिया है, इसलिए वो पानी कम यहाँ हो गया है। तो नर्मदा नदी 1300 किलोमीटर लंबी और 1.75 मीटर चौड़ी है। नर्मदा से पानी 600 किलोमीटर दूर कच्छ तक पहुंचाया जाता है, लेकिन आज किनारे के आसपास के गांव ही बिना पानी के तरस रहे हैं। और गांव के लोगों का कहना है जिस तरह पानी की बर्बादी हुई यह उसी का नतीजा। हाल यह है कि सरदार सरोवर डैम बनने के बाद क्वांट तहसील में स्थित हंसनेश्वर मंदिर पूरी तरह डूब गया था, लेकिन अब पानी है नहीं तो मंदिर 18 बरस बाद साफ दिखाई देता है। छोटा उदयपुर में नर्मदा के जलस्तर में लगातार कटौती आ रही है, जिसकी गवाही ये मंदिर की तस्वीर दे रही है। ये मंदिर पिछले कई सालों से नर्मदा के अंदर था, मतलब के पानी के अंदर था और पूरी तरह इन्होंने जल समाधि ली थी, लेकिन इस साल लगातार नर्मदा में पानी की कटौती के कारण ये मंदिर अब ऊपर बाहर आया है। और नर्मदा के तट पर चांदोद बसा है और इसका धार्मिक महत्व भी है। यहाँ नर्मदा और सांग और गुप्त सरस्वती का संगम होता है। इस जगह को भारत का दक्षिणी प्रयाग कहते हैं। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना होती है, अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग यहीं आते हैं। पर अब तो हाल बेहाल है, सब कुछ खराब है। लगातार कम हो रहे पानी को लोग खतरे के संकेत मान रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट को मेरी एक नम्र विनंती है को आप जो मुहिम चला रहे हैं जल संचय की, नर्मदा के जल उनकी पवित्रता और उनकी शुद्धता के लिए आप कुछ करें। कम पानी है, पहले आए थे तो बहुत पानी था, और सरकार को हम ये नम्र अपील करते हैं कि यहाँ और पानी छोड़ा जाए। तो जीवन दायिनी नर्मदा का जीवन खुद संकट में है। गुजरात चुनाव से पहले भले नर्मदा को लाइफलाइन बताते हुए तमाम दावे हो गए, पर सच तो यही नर्मदा में पानी नहीं। और इस बार वक्त पर बारिश हो रही है, पर अगर ना हुई तो हालात बदसबत्तर होंगे। इसी बरस गुजरात में किसान वाटर इमरजेंसी जैसे हालात हर कोई देख चुका है, सुन चुका है। नर्मदा का एक बूंद पानी भी किसानों को ना देने का ऐलान हुआ, क्योंकि कहा गया पीने के पानी की पहले जरूरत है। तो फिर गर्मियां सिर पर है, नर्मदा में पानी नहीं और सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। एबी न्यूज के लिए भौमिक व्यास की रिपोर्ट। संगम की तीसरी नदी गंगा है, और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं हम ही असल में इस देश में फेस हैं, चुनाव आएंगे तो हमें फेस मानिए, लेकिन यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं बिहार से गुजरती गंगा में कहीं भी नहाइएगा, बीमारी से ग्रस्त हो जाइएगा। इस रिपोर्ट को देखिए, यह सरकार की रिपोर्ट है। गंगा की जिस अविरल धारा को आप देख रहे हैं और गाहे बगाहे यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगाने आते हैं, उसी गंगा की गोद में सैकड़ों बीमारियां पनप रही है। और मोक्षदायिनी गंगा के पानी से चर्म रोग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ये बात श्रद्धालुओं को बताई क्यों नहीं जाती? बताना चाहिए पर बताएगा कौन? डंका कुछ भी पीटिए, लेकिन बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो रिपोर्ट आई उसे सार्वजनिक तौर पर कहने की हिम्मत बिहार सरकार क्यों नहीं कह पा रही है? क्योंकि बिहार में 31 जगहों पर गंगा की जांच के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है, और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है बिहार में बक्सर से लेकर भागलपुर तक 42 नाले गंगा को जहरीला बना रहे हैं। और ये रिपोर्ट तब आई जब खुद केंद्र सरकार कह चुकी है गंगा को दूषित करने वाले 70 शहरों में से
32 शहर अकेले बिहार में। प्रदूषण का कारण जो हमारे आइडेंटिफाई किया हमने उस टीसीएफसी को हाई होने का, वो कहाँ है? वो सीवेज का जनरेशन है, अनट्रीटेड सीवेज का वहां जाना है, डिस्चार्ज होना है। तो गंगा का पानी क्या छूने लायक नहीं बचा? कारण सिर्फ बिहार में 730 मिलियन लीटर सीवर का पानी साफ किए बिना गंगा में गिराया जा रहा है। जो 10 शहर गंगा को 70% तक जहरीला करते हैं उसमें पटना और भागलपुर भी है। अकेले पटना में रोजाना 350 मिलियन लीटर सीवर का पानी गंगा का गला घोंट रहा है। पटना के सैदपुर, बेउर पहाड़ी और कर्मलीचक में 4 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है जो सिर्फ 109 मिलियन लीटर सीवरेज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इन 4 में से एक यानी पहाड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जब हम जायजा लेने पहुंचे तो हकीकत डरावनी। इसका विस्तारीकरण की बात हो रही है तो क्या काम शुरू हो गया यहाँ पर विस्तारीकरण का, या अभी उसी तरह सिर्फ शिलान्यास किया करके पत्थर लगाया गया, काम नहीं शुरू हुआ? अभी केवल शिलान्यास किया गया है, न कोई काम हुआ है। 4 साल बीत चुके हैं नमामि गंगे योजना के और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के, लेकिन जो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है वो बताती है कि गंगा का पानी हर दिन दूषित होता जा रहा है। और गंगा का ये हाल तब जब बिहार में नमामि गंगे के तहत 3,200 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च की जा रही है और सफाई की डेडलाइन कुछ महीने ही दूर है, पर हकीकत से बेपरवाह सरकार अब भी दावों के आसरे बैठी है। पूरा भरोसा जो समय लगे, साल लगे, डेढ़ साल लगे, और इसका पहला चरण जो है वो मई 2019 के पहले पूरा हो जाएगा, लेकिन ये सारी योजनाएं पूरी होने के बाद निश्चित तौर पर गंगा के स्वच्छता में बहुत बड़ा इसका परिणाम होगा। यानी गंगा की मुक्ति के लिए अलग मंत्रालय बना, कई मंत्री आए चले गए, दावे हुए वादे हुए, लेकिन बिहार में सत्ताधारी राजनीतिक दल की रुचि इसी बात को लेकर है कि उनके मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार बिहार का चेहरा बन जाए। ये कोई नहीं कह रहा कि जिस गंगा के आसरे बिहार चलता है या घिसटता है, दरअसल वो मौत की गंगा बन रही है। कोई कहे तो खुलकर, तभी तो इस देश का उद्धार होगा। और अब भारतीय रेल, आपकी रेल, लेकिन बहुत सामान लेकर सफर मत कीजिए, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखिए समझ जाइएगा। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, लोहे की सड़क भड़क भड़क, लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अब कहाँ चलती है ऐसी रेल? पहले तो रेल सुरीली हुआ करती थी, मजा आता था, बेडिंग से लेकर बक्सा तक लेके सफर होता था और रेल में सफर करते हुए फ्री में बोझा लाते थे, ले जाया करते थे। जैसे हवाई जहाज में 15 किलोग्राम फ्री है, रेल में तो लगता था सब कुछ फ्री है, पर अब नहीं है। रेल में सफर करते हुए आप सिर्फ 35 किलोग्राम फ्री में बोझा ले जा सकते हैं, क्योंकि अब वेस्टर्न रेलवे 2 दिन बाद यानी 8 जून से मुहिम शुरू करने जा रही है, जहां बिना लगेज का पैसा दिए आपने 15 किलो से ज्यादा का सामान लेकर द्वितीय श्रेणी में सफर किया तो फिर पकड़े जाने पर फाइन देना होगा। वैसे नियम यही कहता है कि सेकंड क्लास में 35 किलोग्राम फ्री होता है, बुक कराकर ज्यादा से ज्यादा 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं, और एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम फ्री होता है, बुक कराकर ज्यादा से ज्यादा 150 किलोग्राम तक ले जा सकते हैं, और अगर बिना बुक कराकर सामान ले जा रहे हैं तो फिर पकड़े जाने पर अतिरिक्त लगेज पर 6 गुना फाइन लगेगा। यानी भारतीय रेल को अब इतना भी ना समझिए कि समूचा बोझ ही उस पर फ्री में लाद दीजिएगा। फ्री का बोझ रेलगाड़ी नहीं उठाएगी। आज हमने देखा कितनी ट्रेनें लेट चल रही हैं, पता चला कल 65% था, 67% है। देखें किस किस का प्रमोशन रुकता है, इस बात का जिक्र मंत्री महोदय कर चुके हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।